हाई क्लास 11 स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है, हो सकता है नई बुक में कुछ चेंजेस हो। ठीक है, इस नंबर के एग्जाम्पल्स के तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की रेडियस निकालनी है, बना लेते हैं इसको। ठीक है, सर्कल की रेडियस निकालनी है, से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है। इन विच सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कब बनेगा, जो लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ 37.4, तो ये L दे दिया हमें 37.4। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री, हमें रेडियस निकालना है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला था जनरलाइज व्यू में, पुरानी वीडियो में देखना आप, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और ये था रेडियन में। अब मुझे यहाँ से निकालना है रेडियस, तो रेडियस का फार्मूला कितना हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, आर उधर गया थीटा नीचे आया। ठीक है, अब चक्कर यहाँ पे क्या पड़ गया, मेरे को यहाँ पे थीटा जो है ना उसमें दे दिया डिग्री में, लेकिन मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। ठीक है, तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था 180 डिग्री कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो रटना नहीं है ये, ऐसे यहाँ से निकल जाएगा आराम से। तो देखो जी, यहाँ से आप थीटा, पहले थीटा निकाल देते हैं। ठीक है, से दिस इक्वेशन इज वन, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा कितना दिया हुआ है मेरे को, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में इतना है, तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 60 × π/180। ठीक है, और ये सब चला गया रेडियन में, तो 60 को ये काट देगा 3 से, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है, और रेडियन में लिखने की जरूरत नहीं है, पाई में अगर लिखा है इट इज़ वेरी अंडरस्टूड दैट इट इज़ इन रेडियन। ठीक है, तो देखो थीटा तो मेरे पास आ गया, थीटा कितना आ गया π/3, और लेंथ ऑफ एन आर्क एल भी दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, ये रहा। तो मैं डायरेक्ट अपने फार्मूले का यूज करूंगा, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू आ जाएगी एल, एल कितना है बेटा 37.4 आवर, कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा, थीटा कितना आ जाएगा π/3। ठीक, तो 37.4 अपॉन पाई की वैल्यू क्या रहा है, 22/7, 7 ऊपर और 3 भी ऊपर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है आपको, इतना राइट डाउन कर लो, अब थोड़ा सा इसको रब करते हैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए। देखो तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास रेडियस आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा 37.4 × 7 × 3/22, ये 11 के मल्टीपल है, तो 11 × 3 = 33, बच गया 4, डाउन लाया 4, 44, 11 4 जा और 1 के बाद पॉइंट और 11 2 जा। ठीक है, 3.4 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.7, तो रेडियस आ जाएगी मेरी यहाँ से, आर की वैल्यू आ जाएगी 1.7 × 7 × 3 = 21। ठीक, तो 17 को 1 से करेंगे, 17 × 1 = 17, 1 कैरी का, 17 2 जा 34 और 1 35, पॉइंट आएगा कितने के बाद, 1 के बाद, इतने सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास रेडियस आ रही 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 करते हैं, इसको राइट डाउन कर लो आप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात याद कर लेना इसको आप, ठीक है, मेमोराइज करके जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं, कहता है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। ठीक है, वॉच बना लेते हैं, थोड़ा ना फिगर बनाने से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। 12, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है जो मिनट हैंड है वॉच की, उसका जो रेडियस है, दिस इज क्या ट्रीट करेंगे हम उसको, रेडियस। तो रेडियस आ गया मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव, कह रहा है इसकी टिप, देखो अगर ये यहां पर है मिनट हैंड, ठीक है, तो ये कितनी दूर जाएगी। ठीक है, किसमें, 40 मिनट में, तो ये 30, दिस इज 35, तो ये 40 मिनट। तो यहां पर जब ये आ जाएगी, तो ये बताओ ये घड़ी, जब ये जो हमारी मिनट हैंड की टिप है यहां से, ठीक है, तो अभी इनिशियल इनिशियल लेवल पे यहां थी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज सेंटर, तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल तो बनाएगी ना,
है ना, दिस इज इनिशियल साइट, और ये घूम घूम के एक टर्मिनल लाइन, तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, शुरू से मैं फ्रंट वीडियो में बोल रहा हूँ, इनके बीच में एंगल बनेंगे। तो पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना, ठीक है, मैं आऊँ वो डायरेक्ट एकदम से कर दूँ, ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। माई ऑब्जेक्टिव कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आर है, अभी मुझे थीटा नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेरे को फार्मूला पता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और वो भी रेडियन में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है हाउ फार डज इट स्टिप मूव, ठीक है, कितनी दूर वो जाएगी, यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालनी है और एंगल बतानी है मेरे को, हाउ फार डिस्टेंस ही तो निकालना है ना मेरे को 40 मिनट में। अब देखो कैसे करेंगे, देखो आर है सिर्फ मेरे पास, मुझे ये पता है यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल लेगी, 30 डिग्री, 360 डिग्री, मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 60 मिनट में वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर मारेगी ना मिनट हैंड, और एंगल कितना बनाएगी 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है, इसको आप करोगे आप सॉल्व तो कितना आ जाएगा ये 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री एंगल बनाएगी, हमें कितना चाहिए 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा 6 × 40, और ये चला जाएगा डिग्री में, 6 × 4 = 24, ठीक है, यानी कि 40 मिनट में वो एंगल सबटेंड करेगी 240 डिग्री। अब इस डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है, अभी देखो 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, तो ठीक है इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को यहां से, ठीक है, थोड़ी हमें यहां जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो तो यहां से हम यूज करते हैं ये डिग्री को, थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 240 डिग्री, ठीक है, तो 240, 1 डिग्री में कितना है तो 240 में कितना होगा, इतना रेडियन आ जाएगा पाई बाई 180, और ये सब पाई में लिखते ही हम रेडियन में आ जाते हैं, ठीक है। देखो 240 ये जीरो से जीरो खत्म हुआ, 24 और 18, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आप 6 से, 6 × 4 = और 6 × 3 = कितना आ गया बेटा 4/3 पाई रेडियन, यानी थीटा आ गया मेरे पास 4/3 पाई रेडियन, थीटा आ गया, आर भी है, तो एल का फार्मूला क्या बन जाएगा, एल का फार्मूला बन जाएगा एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, तो जो लेंथ होगी उस टिप की वो जो जाएगी वहां पे टिप, ठीक है, वो डिस्टेंस करेगी, तो थीटा आ जाएगा 4/3 ठीक पाई, ठीक है, इसको हटाओ, ये तो पाई में है तो अंडरस्टूड है, पाई इंटू रेडियस कितना है 1.5, ठीक है, दिस इज 1.5, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4/3, ठीक, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 3.14 रखो इंटू 1.5, ठीक है, तो ये 3 से कट गया, कितना आ गया जी 0.5, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4, 5 = 20, और एक के बाद पॉइंट है तो 2 बचेगा, 3.14, ठीक है, और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में भी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये करो 2, 4 = 8, 2 और 6, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है जी, तो यहाँ से मेरी जो लेंथ आएगी वो 6.28 सेंटीमीटर आएगी,